हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं अपनी सक्सेस जर्नी, अपने संघर्षों की कहानी कि कैसे मैं 23 साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बना, कितना दर्द दिया ज़िंदगी ने, कितने संघर्ष आए, कौन कौन सी गलतियां हुई मुझसे और कैसे उन संघर्षों को पार करते हुए मैंने अपने सपने पूरे किए। आज के इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि मैं ये जानता हूँ कि हम सब की ज़िंदगी का संघर्ष और दुख से चोली दामन का साथ है। हम सब की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ज़िंदगी की कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा हमारा हौसला होता है। तो मेरा जन्म बिहार के पश्चिम चंपारण ज़िले के एक छोटे से गाँव पतिलार में हुआ था। जी हाँ, ये वही चंपारण है जहाँ से गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। एक छोटे से मध्यम वर्गीय किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता पढ़े लिखे बहुत कुशल किसान थे, खेती से उतनी आमदनी हो पाती थी जिससे घर का गुजारा चल जाता था। गांव में सरकारी स्कूल के अलावा पढ़ने लिखने के लिए और कोई विकल्प मौजूद नहीं था। मेरी शुरुआती पढ़ाई उसी सरकारी स्कूल में हुई। प्लास्टिक के बोरे पे बैठना, दोस्तों के साथ क्लासेस बंक करके बगीचे में जाना, खूब सारी शरारतें करना और शरारतों के बाद मास्टर साहब से पिटाई खाना, ये सब कुछ सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। बचपन की ज़िंदगी खुशियों की बारात लिए झूमते गाते इठलाते चली जा रही थी। तभी पता चला कि गाँव में एक नया स्कूल खुल रहा है जिसका नाम है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। मेरा एडमिशन उस स्कूल में हो गया और अब आगे की पढ़ाई मेरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुरू हो गई। हम देखते थे कि माँ अक्सर बीमार रहती हैं, उनको दिखाने के लिए पापा रूटीन चेकअप के लिए घर से बाहर ले जाते थे, लेकिन तब हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि माँ को कोई एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। एक दिन अचानक से पता चला कि माँ को यूट्रस कैंसर है। जैसे ही कैंसर का नाम सुना, दिल बैठ गया। ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, क्योंकि ये ज़रूर पता था कि कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी होती है जिससे निकलकर लड़कर वापस आना बहुत मुश्किल काम होता है। एक छोटे से बच्चे के लिए ये कल्पना कर पाना कि उसकी माँ को कैंसर जैसी बीमारी है, आप समझ सकते हैं कि क्या बीतती होगी दिल पे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अगर आशा की कोई एक किरण थी तो वो सिर्फ माँ थी। माँ से जब भी हम मिलते, माँ यही कहती कि बेटा मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने बच्चों से छीन नहीं सकती है। बहुत बचपन से ही माँ की हर एक बात पे मुझे बहुत ही गहरा यकीन था। मुझे लगता था कि अगर माँ कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा तो सच में उसे कुछ भी नहीं होगा। पापा को परेशान देखता तो अक्सर उनसे पूछता कि आप इतने पढ़े लिखे हो, फिर आपको नौकरी क्यों नहीं मिली। पापा यही कहते थे कि मिली थी बेटा नौकरी, लेकिन मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे टीचर बनना था और टीचर बनने की लगभग पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इसी बीच कुछ समस्याएँ आ गई और वो काम रुक गया। केस चल रहा है, जब फैसला आएगा किसी न किसी दिन मैं टीचर बन जाऊँगा। साल दर साल वक्त बीतता रहा, मेरी आगे की पढ़ाई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में चलती रही और इधर माँ का इलाज भी चलता रहा। एक लंबी लड़ाई के बाद मेरी माँ ने सच में कैंसर पर जीत हासिल की थी। एक योद्धा की तरह वो लड़कर बाहर आई थी और तब मुझे यकीन हो गया था कि सच में इंसान के पास अगर जीने की गहरी चाहत, हौसला और पॉजिटिविटी हो तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी जीत सकता है। धीरे धीरे हम बड़े होते गए और मेरी आगे की 10वीं तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में ही हुई। स्कूल के दिनों में मंच संचालन करना, गीत गाना, खेलकूद में पार्टिसिपेट करना, इन सब चीज़ों में मेरी बड़ी रुचि थी। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। 2008 में 75% अंकों के साथ जब मैं 10वीं की परीक्षा पास कर गया तो मेरे सामने एक विकल्प था कि मैं आगे क्या करूं। हालांकि मेरे परिवार की ओर से कोई दबाव नहीं था कि मैं कौन सा विषय चुनूं, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर मैं
साइंस नहीं लूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, आर्ट्स तो कमज़ोर लोग पढ़ते हैं, और लोग क्या कहेंगे, इसी दबाव में आकर मैंने 11वीं में साइंस विषय चुन लिया। जबकि बचपन से ही कविता, कहानी और नाटकों के लिए मेरा दिल धड़कता था, विचारों की दुनिया, साहित्य मुझे आकर्षित करता था, लेकिन ये गलती मैं कर बैठा कि लोग क्या कहेंगे। युवाओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी ये गलती आप मत करना कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जो अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को सबसे अच्छे से पहचानते हो। एडमिशन तो ले लिया, एक साल बीत गया, लेकिन परेशानी सिर पे आ गई, क्योंकि रुचि ही नहीं थी, मन ही नहीं लगता था। अब मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, ड्रॉप करूंगा तो एक साल बर्बाद होगा। किसी तरह से जी तोड़ मेहनत की और 12वीं में महज 60% अंक किसी तरह से ला सका और 12 पास कर गया। पास करने से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि चलो अब नया जीवन मिला, छुटकारा मिला, और अब मैं नए विषय के साथ, अपनी रुचि के विषय के साथ आगे की पढ़ाई शुरू कर सकूंगा। 2010 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए मैंने आर्ट्स फैकल्टी के लिए एंट्रेंस दिया, चयनित हुआ और आगे की पढ़ाई हिंदी लिटरेचर से मैंने शुरू की। 2010 से 2013 तक अपने पसंदीदा विषय के साथ मैं पढ़ाई करता रहा, खुश था और सोचता रहा कि मुझे करियर में आगे किस फील्ड में जाना है। उन दिनों मैं अपने प्रोफेसर्स को देखता था बच्चों से बात करते हुए, तो वो फील्ड भी मुझे आकर्षित करता था, और दूसरी तरफ लगता था कि मुझे IAS बनकर समाज की सेवा करनी चाहिए। इसी कन्फ्यूजन में 3 साल कब गुजर गए मुझे पता नहीं चला। BA फाइनल ईयर में मैं IPL के बहुत मैचेस देखता था, दोस्तों के साथ बैठकर कार्ड खेलता था, एक लापरवाही मेरे जीवन में शामिल हो गई थी, और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जब मैंने MA का एंट्रेंस दिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैं इतना नॉन सीरियसली उस एग्जाम को अटेम्प्ट किया कि मैं MA के एंट्रेंस में फेल हो गया, और जब मैं फेल हुआ तो धरती पैर के नीचे से खिसक गई। पटना यूनिवर्सिटी आ गया MA करने के लिए, और जो गलती मैंने की थी BA फाइनल ईयर में, जबकि फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन से मैंने BA पास किया था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, लापरवाही, ये सारी चीज़ें मुझे BHU में MA का हिस्सा नहीं बना सकी। मैं बहुत सीरियस हो गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। मेरी मुलाकात पटना यूनिवर्सिटी के मेरे बहुत ही प्रिय शिक्षक प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि चाहे IAS बनो या प्रोफेसर बनो, दोनों ही सेवा के माध्यम हैं। महत्वपूर्ण बात बस इतनी सी है कि कौन सा काम तुम्हें खुशी देती है, किस काम को करते हुए लगता है कि तुम जिंदगी को भरपूर जी रहे हो। और मैंने बहुत जल्द तय कर लिया कि मुझे एकेडमिक्स में जाकर प्रोफेसर बनना चाहिए। फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने पीछे जो गलतियां की थी उन गलतियों से सबक लिया, दिन रात मेहनत की, लगातार पढ़ता रहा। 2015 में MA फाइनल हुआ, न सिर्फ MA फाइनल हुआ बल्कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना, टॉपर रहा, और MA करते करते नेट की परीक्षा में मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए चयनित हुआ। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के MPhil और PhD दोनों ही एंट्रेंस की परीक्षाओं में मैंने जगह बनाई और MPhil में मैंने दाखिला ले लिया। ज़िंदगी चलती रही और एक बार तय हो चुका था कि अब मुझे प्रोफेसर ही बनना है। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं क्या करूँ। मेरी माँ ने कहा, जो तुम्हारा दिल कहता है तुम वहीं करो, तुम्हें बिल्कुल सफलता मिलेगी। और माँ की बातों का इतना गहरा विश्वास मेरे ऊपर था कि मैं लगातार एक धुन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के अपने सपने की ओर चल पड़ा। और वो समय आया 2016 में जब मैंने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए फॉर्म डाला, परीक्षा दी, परीक्षा में ज़बरदस्त स्कोर किया, इंटरव्यू के लिए चयनित हुआ। जब मैंने परीक्षा दी थी तो मुझे मालूम था कि मुझे इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। जीतोड़ मेहनत की इंटरव्यू के लिए लगातार दिन रात पढ़ता रहा, तैयारी करता रहा, इंटरव्यू देने पहुंचा। इंटरव्यू बोर्ड में जब पैनल में मैं आया तो सबसे पहले बोर्ड में मुझे देख के ये कहा गया कि तो बच्चा है, अभी तो आप पढ़ रहे हैं। लेकिन जो भी प्रश्न मुझसे पूछे गए, बहुत सकारात्मक ढंग से मैंने उसका उत्तर दिया, संतुष्ट किया उन्हें, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। और अंत में मुझसे एक सवाल पूछा गया कि आप मूल रूप से बिहार के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप MPhil कर रहे हैं, लेकिन आप जॉब के लिए हिमाचल क्यों आना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा कि टीचिंग मेरे लिए जॉब नहीं है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है। अपने आप को एक्सप्रेस करने का अगर सबसे खूबसूरत जरिया अगर मुझे कुछ लगता है तो वो ये टीचिंग ही ऐसा माध्यम है, इसलिए मैं इस सेवा में आना चाहता हूँ। और मेरा जवाब उन्हें बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये जवाब बनावटी नहीं था, ये मेरे दिल की आवाज़ थी, ये मेरे पैशन की आवाज़ थी। और जब रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट आया, तो रोमांच और खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं मेरिट लिस्ट में था। मैं अपने पहले प्रयास में
सफल हो चुका था और मेरी नियुक्ति गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा में हो गई, जिस दिन 17 अप्रैल 2017 को मैं इस कॉलेज में ज्वाइन करने आया था। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 23 वर्ष से थोड़ी अधिक हो रही थी। और ये भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि 17 अप्रैल 1917 को गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी और ठीक 100 सालों बाद 17 अप्रैल 2017 को मैं चंपारण से चंबा आया और अपने सपने को पूरा कर सका। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी इस कहानी के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हौसला, विश्वास, कठिन मेहनत करने का संकल्प और जुनून हो तो दुनिया में कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हैं, आप उसे पा नहीं सकते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। नमस्कार।